हेलो गाइस, स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैंटेसी जोन में। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरआर के बीच होने वाले इस सीजन आईपीएल मैच नंबर 56 के बारे में। दोस्तों, ये मैच होने वाला है ईडन गार्डन कोलकाता में, और कोलकाता की पिच पर कौन कौन से बल्लेबाज सफल होते हैं और कौन कौन से गेंदबाज सफल होते हैं दोनों टीम के प्लेइंग 11 में से, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, दोनों टीम जब आमने सामने होते हैं तो कौन कौन से वो प्लेयर है जो कि हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, और साथ में दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बनेगा आज का गेम चेंजर, साथ में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको डेटा के बेस पे बता दूंगा। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा। और साथ में दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए गिव अवे भी रखा हुआ है, तो गिव अवे में पार्टिसिपेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई फ्रेश वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी की। 55% विनिंग प्रोबेबिलिटी आरआर की है, और यहाँ पे 45% विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे केकेआर की है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लास्ट 10 हेड टू हेड मैच की बात की जाए, तो 3 मैच आरआर ने जीते हैं, 7 मैच यहाँ पे केकेआर ने जीता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिसेंट मैच की बात की जाना तो 1 मैच विन और बाकी 4 मैच लॉस किया है आरआर ने। बाकी यहाँ पे केकेआर की बात की जाए तो 3 मैच विन और 2 मैच लॉस किया है। फिर भी इस मैच में मेरा फेवरेट टीम जो है ना, वो आरआर होने वाला है। बाकी आप केकेआर के फेवर में भी टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एकाध ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन, ठीक है। चले गए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ईडन गार्डन कोलकाता में ये मैच होने वाला है। यहाँ पे स्पिनर और पेसर दोनों ही ठीक ठाक चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 58% विकेट यहाँ पे पेसर को मिला है, और 42% विकेट यहाँ पे स्पिनर को मिलते हैं भाई, ठीक है। स्पिनर भी यहाँ पे कंपटीशन में है, ये बात को ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे चेजिंग टीम ने 60% मैच विन किया है, और फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाले टीम ने 40% मैच विनिंग किया है। यहाँ पे बात की जाए हाईएस्ट स्कोर की इस वेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 235 तक हाईएस्ट स्कोर इस वेन्यू में बन चुका है। और इस मैच में जो स्कोर आपको देखने को मिल सकता है ना, 170 से लेकर 180 190 तक स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे रिसेंट कुछ मैच की डेटा आपको दिखा देता हूँ। पंजाब वर्सेस केकेआर के बीच मैच होते हैं, पंजाब ने यहाँ पे 179 रन बनाया है, केकेआर ने यहाँ पे 182 रन बनाया है, यानी कि यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे केकेआर ने 179, जीटी ने यहाँ पे 180 रन बना के चेंज किया है मैच को। गाइस, यहाँ पे सीएसके ने 235 रन बनाया है, केकेआर ने यहाँ पे 186 रन बनाया, यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। लास्ट 3 मैच की बात की जाना तो 2 मैच चेंज हुआ है, 1 मैच चेंज नहीं हुआ है। ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात की जाना तो एक बैलेंस पिच आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्पिनर को भी ठीक ठाक मदद मिलता है, और स्पेसर को भी, और बल्लेबाज को भी है। गाइस, ये जो नेचर है, हिस्टोरिकल नेचर है, फाइनल जो भी पिच रिपोर्ट होता है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि फाइनल जो पिच रिपोर्ट होता है ना, वो आपको मिलता है टॉच के बाद, इसीलिए टेलीग्राम जुड़ना बहुत जरूरी है। बाकी देखिए, यहाँ पे जो हम लोग टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ये डेमो टीम कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि भाई प्लेइंग्स 11 में चेंजेज होता है, पिच रिपोर्ट में चेंजेज होता है, इसीलिए टीम कॉम्बिनेशन में भी चेंजेज होता है। तो फाइनल टीम कहाँ मिलेगा? फाइनल टीम आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है गाइस। तो टेलीग्राम चैनल आप जुड़ सकते हो, फर्स्ट कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको सीधा लिंक पर क्लिक करना है और जुड़ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से फाइनल अपडेट के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं लास्ट मैच के गिव अवे विनर के बारे में। एमआई वर्सेस आरसीबी के मैच में कौन बनेगा ड्रीम टीम का कैप्टन, क्वेश्चन था ये, ठीक है। आंसर, सही आंसर दिया है मजीद कॉमेडी किंग भाई ने, सूर्य कुमार यादव, और साथ में यहाँ पे कमल गवस्कर भाई ने भी सही आंसर दिया है। भाइयों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट करिएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं प्लेइंग्स 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे केकेआर के प्लेइंग्स 11 के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आर गुरबाज आते हैं, जटसन रॉय आते हैं, साथ में यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रयू रसेल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर और ए बी अरोरा, साथ में एस राणा और वरुण चक्रवर्ती। स्टार्टिंग के ओवर की बात की जाए तो हर्षित और साथ में वैभव अरोरा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे डेथ के ओवर की बात की जाए तो हर्षित और वैभव अरोरा से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
गाइस यहाँ पे प्लेइंग्स 11 में चेंजेज होने का चांस बहुत कम है। अगर चेंजेज होता भी है ना तो फाइनल अपडेट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर करवा दूंगा। यहाँ पे बात करेंगे आरआर की प्लेइंग्स 11 की, तो सबसे पहले यहाँ आते हैं जॉर्ज बटलर, ठीक है, यशस्वी जसवाल, संजू सैमसंग, जो रूट, साथ में सिमरन हिटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, मुर्गान अश्विन, साथ में के यादव, संदीप शर्मा, यजवंदर चहल। बात करते हैं स्टार्टिंग के ओवर की, तो संदीप और कुलदीप की तरफ से आपको देखने को मिलेगा और चहल कुलदीप आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए देखने को मिलेगा। गाइज दोनों टीम की प्लेइंग 11 में से कौन कौन से प्लेयर हमारे स्मॉल लीग की टीम कंपेरिशन में होना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर आज के मैच का गेम चेंजर होने वाला है जो कि हमारे ग्रैंड लीग में होना चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे डेटा के बेस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में तीन प्लेयर आपको देखने को मिलेगा जो कि तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आर गुरबाज के बारे में। जब तक मैदान में रहता तब तक हिटिंग करते रहते गाइज, एक मैच में 81 जैसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया है और बाकी सारे मैच आप देख लो फ्लॉप है। जिस दिन चलेगा भाई तबाही मचाएगा, इसीलिए ग्रैंड लीग की कुछ टीम में ना आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में अपने हिसाब से आप पिक करना इनको। बेनू की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रिकॉर्ड अच्छा है, चार मैच में 153 रन बनाए हैं 38 की बैटिंग एवरेज से, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं जॉर्ज बटलर जो कि मस्ट पिक रहेगा एसएल में, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, 95 लास्ट मैच में 95 जैसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया है और क्वालिटी प्लेयर भी है, ठीक है। इनको आपको बैक करना जरूरी है, 11 मैच में 370 रन बना चुका है 33 का बैटिंग एवरेज से, ठीक है। हेड टू हेड अच्छा है। वेनू की बात की जाए तो वेनू में और भी अच्छा है, तीन मैच में ना 169 रन बना चुका है 53 की बैटिंग एवरेज से, यानी कि वेनू साथ में हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आता है संजू सैमसंग, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 66, 30 और 22, ठीक है, तीन लोग ठीक ठाक है। और इस हेड टू हेड की बात की जाए ना तो यहाँ पे 18 मैच में 469 रन बना चुका है 26 के बैटिंग एवरेज से, हेड टू हेड भी ठीक ठाक है। वेनू की बात की जाए तो वेनू में भी ठीक है, 8 मैच में 246 रन बनाया है 30 के बैटिंग एवरेज से, हेड टू हेड वेनू रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, इसीलिए स्मॉल लीग में मस्ट पिक है। कुछ टीम में जीएल की कुछ टीम में ना आप इनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहला आता है जेसन रॉय, बैटिंग विकेट में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज माना जाता है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 38-20 और एक नॉक 56-61, ठीक है, एक मैच में फ्लॉप है 13 रन पे अपना विकेट फेंक के गया है। हेड टू हेड की बात की जाए तो एक मैच में 60 का बैटिंग एवरेज है और इस वेन्यू में तीन मैच में 100 रन बनाए हैं 33 के बैटिंग एवरेज से, ठीक है। हेड टू हेड ठीक ठाक है, वेन्यू ठीक ठाक है, साथ में रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, ग्रैंड लीग की टीम में आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, इवन आप एसएल में भी इनको कैप्टन ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं वेंकटेश अय्यर, सेकेंड इनिंग्स में अगर बैटिंग आए ना तो इनको मैं ट्राई करूंगा कि हेड टू हेड रिकॉर्ड, दो मैच में 44 रन 22 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। गाइस यहाँ पे पाँच मैच में इस वेन्यू में 55 रन बनाया है, 11 का बैटिंग एवरेज है इस वेन्यू में, तो वेन्यू में बहुत डाउन है, बाकी हेड टू हेड में ठीक ठाक है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं सेकेंड इनिंग्स में इनको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। नीतीश राणा, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो 51 रन एक विकेट, 42 रन, 48 रन और 27 रन, सिर्फ एक मैच में फ्लॉप रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 मैच में हेड टू हेड ना 202 रन बनाए हैं, 18 का बैटिंग एवरेज है, दो विकेट भी चटका चुका है। इस वेनू की बात की जाए तो वेनू में काफ़ी अच्छा है, 30 का बैटिंग एवरेज है, 20 मैच में ना 608 रन बना चुका है, साथ में 6 विकेट भी है, स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है। ग्रैंड लीग के एक टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का बैकअप भी मिल सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं रिंकू सिंह, फर्स्ट इनिंग्स में केकेआर बैटिंग कर रहा है तो मस्ट पिक है, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो और ग्रैंड लीग में तो ट्राई करना ही है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, 53, 46, 21, ठीक है। और हेड टू हेड की बात की जाए तो दो मैच में 45 रन बना है 22 का बैटिंग एवरेज से, 10 मैच में 227 रन बना चुका है इस वेन्यू में 22 का बैटिंग एवरेज, वेन्यू में ठीक ठाक है, हेड टू हेड ठीक ठाक है, रिसेंट भी ठीक ठाक है, बस एक ही दिक्कत है बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन में है, इसीलिए फर्स्ट इनिंग्स में ट्राई कर लेना, सेकेंड इनिंग्स में मतलब बैटिंग आने का श्योरिटी ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे आगे बात करते हैं और बैटिंग सेक्शन आरआर की तरफ से, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यशस्वी जसवाल, काफ़ी अच्छा है फॉर्म, ठीक है, 35, एक मैच में 14 रन जैसे मतलब फ्लॉप मान सकते हो और बाकी एक नॉक 124, एक नॉक 77, एक नॉक 47 है भाई, ठीक है, और दो मैच में ना 22 रन बना है हेड टू हेड 11 का, हेड टू हेड में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, ये बात को ध्यान में रखना, और बाकी इस वेन्यू में एक मैच खेला है, एक मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, सिर्फ 3 रन बनाए हैं और वो भी एक मैच में भी कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन रिसेंट फॉर्म जो है ना काफ़ी अच्छा है, इसीलिए स्मॉल लीग में आप जरूर ट्राई करो और चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हो और ग्रैंड लीग में तो एक टीम में कैप्टन इनको ट्राई कर ही सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं जो रूट, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो,
82-80 ठीक है, और एक नॉक 20 का है ठीक है, काफ़ी अच्छा फॉर्म है। और बाकी हेड टू हेड में वेन्यू में कोई मैच नहीं है। ग्रैंड लीग में एज अ ट्रंप प्लेयर इनको ट्राई करो, स्मॉल लीग में भी एज अ ट्रंप प्लेयर इनको पिक कर सकते हो फर्स्ट इनिंग्स में अगर राजस्थान बॉलिंग करे तो ठीक है। और ग्रैंड लीग में कुछ टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं सिमरन हिटमैन, रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है और बाकी हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। 7 मैच में 91 रन, 13 का बैटिंग एवरेज है, 1 मैच में 4 रन इस वेन्यू में, 4 का बैटिंग एवरेज है, तो मैं इनको ड्रॉप करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं ध्रुव जुलर, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक आध ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है। हेड टू हेड और वेन्यू में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 2 मैच 34 और 34 ये दोनों मतलब एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप चाहो ग्रैंड लीग में एक टीम में ट्राई कर लेना ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन देना रिस्की रहेगा ग्रैंड लीग में भी ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं। एंड्रयू रसेल आते हैं कोलकाता की तरफ से, 42 रन 0 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 34 रन 1 विकेट, और यहाँ पे आपको 2 विकेट 1 मैच में और 9 रन 0 विकेट ठीक है। ये इनका रिसेंट फॉर्म है, ठीक ठाक है, और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आए ना तो डेथ में भी बॉलिंग कर सकता है ठीक है, इसीलिए फर्स्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग आए तो आप इनको पिक कर लेना, और सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग आए तब भी आप इनको पिक कर सकते हो क्योंकि बल्ले से भी कमाल दिखा सकता है ठीक है, इसीलिए स्मॉलिंग में मस्ट पिक रहेगा। हेड टू हेड में कुछ खास नहीं दिख रहा है, बाकी वेन्यू में भी वेन्यू में रिकॉर्ड अच्छा है भाई, आप देख सकते हो 34 मैच में ना 23 की बैटिंग एवरेज से 787 रन बना चुका है, और साथ में विकेट का बैकअप भी है, 31 विकेट चटका चुका है, इसीलिए स्मॉल लीग में मस्ट पिक है। ग्रैंड लीग में चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको आराम से ट्राई कर सकते हो ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं सुनील नारायण, फॉर्म रिसेंट कुछ खास नहीं दिख रहा ठीक है, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है ठीक है, 17 मैच में 124 रन बनाया है, बैटिंग से 8 का एवरेज है और 12 विकेट चटकाए हैं, 12 में कुछ खास नहीं दिख रहा है, और बाकी वेन्यू में ना ठीक ठाक है। वेन्यू में यहाँ पे 50 मैच में 339 रन बना चुके हैं और 59 विकेट चटका चुका है, 50 मैच में 59 विकेट चटका चुका है इस वेन्यू में। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं शार्दुल ठाकुर, बॉलिंग कितना ओवर डालेगा कोई श्योरिटी नहीं रहता है, इसीलिए रिस्की पिक हो जाता है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो कुछ खास नहीं दिख रहा है, 1 मैच में 2 विकेट चटकाए हैं और 1 मैच में 1 विकेट चटकाया है, लास्ट 5 मैच की बात की जाना तो 2 मैच में कुछ मतलब 1 विकेट और 1 मैच में 2 विकेट, बाकी सारे 3 मैच में फ्लॉप है। हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, हाँ हेड टू हेड में आप देख सकते हो 9 मैच में ना 10 विकेट चटका चुका है तो एवरेज है, और 6 मैच में इस वेन्यू में सिर्फ 3 विकेट चटकाया है तो वेन्यू में डाउन है भाई, मैं करूंगा इनको ड्रॉप, चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो ठीक है। फिर यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन बात करेंगे राजस्थान की तरफ से आर अश्विन की, देखिए 1 विकेट 2 रन 0 विकेट 8 रन 2 विकेट 2 विकेट 12 रन 1 विकेट, हर मैच में विकेट मिल रहा है सिर्फ 1 मैच को छोड़ के ठीक है, और इस पिच पे ना स्पिनर को ठीक ठाक मदद मिल रहा है ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में राजस्थान बॉलिंग बैटिंग कर रहा है ना तब तो मस्ट पिक है, इनको पिक करना ही है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 24 मैच में 24 विकेट चटका चुका है तो हेड टू हेड में ठीक ठाक है, और वेन्यू में 11 मैच में 9 विकेट चटका चुका है। सो गाइज फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग बैटिंग आया राजस्थान का तो इनको मैं कवर करूंगा, क्योंकि गाइज देखो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग का बैकअप आएगा और सेकेंड इनिंग्स में विकेट स्लो हो जाता है तब स्पिनर को ठीक ठाक मदद मिलता है ठीक है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और यहाँ पे बात करेंगे हम बॉलिंग सेक्शन कोलकाता की, बॉलिंग सेक्शन कोलकाता की तरफ से विवेक अरोरा आते हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा है, 1 मैच में 1 विकेट और 1 मैच में 2 विकेट, बाकी 3 मैच विकेटलेस रहा है। हेड टू हेड और वेन्यू में कुछ खास नहीं है, इसीलिए ग्रैंड लीग में एक टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप करना ही बेहतर है। फिर यहाँ पे एस राणा ठीक है, लास्ट 3 मैच में इंप्रेस किया है, आप देख सकते हो 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट 3 मैच की बात की जाए तो 5 विकेट चटका चुका है। ग्रैंड लीग में एज ए ट्रंप प्लेयर आप इनको पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की पिक है, यहाँ पे हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाकी यहाँ पे वेन्यू में 2 मैच में ना 3 विकेट चटका चुका है। फिर यहाँ पे आता है वरुण चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए पिक करना है, देखिए 3 विकेट 1 विकेट सिर्फ 1 मैच में 0 विकेट पे अपना विकेट मतलब विकेट लेस रहा था और बाकी 1 मैच में 3 विकेट 1 विकेट, यानी कि 8 विकेट चटका चुका है 4 मैच में भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 मैच में हेड टू हेड देखिए गजब है, 5 मैच में ना 7 विकेट इनको मिल गया है, यहाँ पे 6 मैच में 10 विकेट चटका चुका है इस वेन्यू में, यानी कि वेन्यू में बंदा गजब है, हेड टू हेड में गजब है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए ना आप ग्रैंड लीग के 10 टीम बना रहे हो तो 10 के 10 टीम में वरुण चक्रवर्ती होना चाहिए फॉर्म के हिसाब से डेटा के हिसाब से ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन आरआर की, देखिए आरआर की तरफ से ना सबसे पहले मुर्गन अश्विन आते हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा है, सिर्फ
लास्ट 5 मैच में से सिर्फ 2 मैच में 2 विकेट इनको मिला है और बाकी हेड टू हेड 7 मैच में 7 विकेट और इस बेनू में 1 मैच में 0 विकेट, यानी कि विकेट ही नहीं मिला। तो इनको मैं ड्रॉप करूंगा ग्रैंड लीग में, एक टीम में चाहूँ तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुलदीप यादव ठीक है, यहाँ पे 3 मैच की बात की जाए लास्ट तो 2 विकेट चटकाए हैं, हेड टू हेड में और वेन्यू में कोई मैच नहीं है तो इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं संदीप शर्मा, रिसेंट फॉर्म वो भी कुछ खास नहीं दिख रहा ठीक है, 1 मैच में 2 विकेट और 1 मैच में 1 विकेट, बाकी 3 मैच में ना विकेट लेस रहा है। फर्स्ट इनिंग्स में राजस्थान बॉलिंग कर रहा है तो डेथ में भी बॉलिंग कर सकता है, इसीलिए इनको पिक करना जरूरी है। 13 मैच में सिर्फ 9 विकेट चटकाया है कोलकाता के अगेंस्ट, तो हेड टू हेड में कुछ खास नहीं दिख रहा। वेन्यू में भी डाउन है भाई, 4 मैच में सिर्फ 1 विकेट चटकाया है, चाहो तो ग्रैंड लीग में पिक कर लेना लेकिन स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक है। हाँ, युजवेंद्र चहल को पिक करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है ठीक है, 4 विकेट चटकाया है 1 मैच में, 1 विकेट चटकाया है फिर 1 विकेट, 2 मैच में विकेटलेस जरूर गए हैं, बाकी 3 मैच में ना इनको 5 विकेट मिल गया है, तो ऐसे प्लेयर को आप बैक करना जरूरी है ठीक है। और बाकी 20 मैच में 24 विकेट चटका चुका है हेड टू हेड, यानी कि कोलकाता के अगेंस्ट, तो हेड टू हेड में भी ठीक ठाक है। वेन्यू में 8 मैच में ना 5 विकेट चटकाए हैं, तो स्मॉल लीग में मैं यूजी चहल को कंफर्म ट्राई करने वाला हूँ इस मैच में ठीक है गाइस। चलिए बाकी यहाँ पे डेमो टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं स्मॉल लीग का, देखिए स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करने से पहले आज के गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको बताना है ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन कौन होने वाला है, ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन कौन होने वाला है, जो भी आपका आंसर हो, जो भी आपका प्रेडिक्शन हो डाल देना कॉमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देने से पहले ना कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर सही भी होता है ना तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ठीक है। चलिए गाइस, विकेट कीपिंग सेक्शन में तीनों विकेट कीपर को हमने रखा हुआ है ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने तीनों को रखा है ठीक है। बाकी यहाँ पे नीतीश राणा, यशस्वी जसवाल और जेटसन रॉय को हमने पिक किया है। यहाँ पे अश्विन साथ में एंड्रयू रसेल, एस राणा, वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल को हमने बॉलिंग सेक्शन में पिक किया हुआ है। ये जो टीम कॉम्बिनेशन है ना थोड़ा चेंजेस यहाँ पे हो सकता है, देखिए एस राणा को ना मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ और आर गुरुबाज को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। जो भी डिसीजन होगा ना वो फाइनल डिसीजन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, वो भी टॉस के बाद, क्योंकि भाई टॉस के बाद चेंजेस होता रहता है पिच रिपोर्ट में, प्लेइंग्स 11 में, तो टीम भी चेंजेस होगा ना ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ फाइनल अपडेट के लिए ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, वहाँ पे मैं आपको फ्री में टीम प्रोवाइड करता हूँ भाई ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे 3 ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन की। देखिए ये हमारा 3 ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन है, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और सेम टीम के साथ ना आप कॉन्टेक्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। टॉस के बाद फाइनल जो टीम कॉम्बिनेशन होता है ना ग्रैंड लीग का, वो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ ठीक है। चलिए गाइस, जो भी टीम कॉम्बिनेशन होगा फाइनल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा, अगर कॉम्बिनेशन में कोई भी डाउट है ना तो कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट जरूर डाल दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कॉम्बिनेशन भी समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारा प्रेडिक्शन कैसा लगा है। मिलते हैं अगले और एक जबरदस्त प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।